दौर में थाना चौक की हदूद में संगल बेटे ने बीवी के साथ मिलकर मां को तशद्दुद का निशाना बना डाला। इरशाद बीबी पर बेटे और बहू के हाथों तशद्दुद का वाकया घरेलू नचाकी पर पेश आया। जालिम बेटा मां के साथ दस्तों गिरबा हो गया। बहू भी सास पर बर्तनों से तशद्दुद करती रही। मुल्क भर में महंगाई की शरह 37.6% की सतह पर पहुंच गई। विफाकी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह में 3.68 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हालिया हफ्ते के दौरान 30 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। घी, दालें, चावल, आलू, टमाटर, दूध, दही, चीनी और गोश्त की कीमतें बढ़ी। LPG की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन अरफान खोकर की जानिब से LPG की कीमत में 10 रुपए फी किलो के इजाफे का ऐलान किया गया है। अरफान खोकर ने अपने बयान में कहा है कि LPG की कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए फी किलो हो गई है। अरफान खोकर के मुताबिक LPG की कीमत में इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर 150 रुपए जबकि कमर्शियल 450 रुपए महंगा हो गया है। चित्राल के नहायत खूबसूरत वादी अवेल लिस्ट के लोग हर वक्त बर्फानी तोड़े की वजह से खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको खदशा है कि ये बर्फानी तोड़ा किसी भी वक्त फट कर तबाह कन सैलाब का बायस बन सकता है। इलाके के मकीन इस हसीन इलाके को मुमकिना सैलाब की तबाहकारी से बचाने के लिए हिफाजती दीवारों की तामीर का मुतालबा करते हैं। बदीन में नौजवान लड़की के साथ ज्यादती, मुलजमान गिरफ्तार। सुबह सिंह के जिला बदीन में नौजवान लड़की के साथ ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SSP बदीन शाहनवाज चाचड़ ने कहा कि जिला बदीन के इलाके पेंगियों में नौजवान लड़की से इज्तमाही ज्यादती के मामले पर 18 साल लड़की से इज्तमाही ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर आसमान से बातें करने लगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर आसमान से बातें करने लगी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में एक ही दिन 5% से ज्यादा इजाफा हुआ। टैक्स फ्रॉड के सिलसिले में गुलकारा शकीरा को 8 साल कैद की सजा का इम्कान। कोलंबिया की सुपरस्टार शकीरा को टैक्स फ्रॉड केस में 8 साल कैद की सजा मिलने का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलकारा शकीरा, जिन पर हस्पानवी टैक्स एजेंसी ने टैक्स फ्रॉड का इल्जाम लगाया, उन्होंने उनकी दरखास्त की डील को मुस्तरद कर दिया था। अब हस्पानवी प्रोसिक्यूटर्स में से एक ने कोलंबिया की सुपरस्टार शकीरा को 14.5 मिलियन यूरो टैक्स फ्रॉड केस में 8 साल से ज्यादा कैद और 23 मिलियन यूरो से ज्यादा जुर्माने की दरखास्त की है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने निकाह के लिए खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के हल्फ वाले नए फॉर्म इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। पंजाब के वज़ीर आला ने कहा है कि निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन के लिए खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्फनामे पर दस्तखत करना लाजमी होगा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हदायत जारी की गई है। निकाह रजिस्ट्रारों को खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्फनामे वाले नए फॉर्म दिए जाएं। नए फॉर्म न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।